टाइट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा करो, थोड़ा सा आगे का जा नहीं रहा यार। चलो ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो। लगभग 2 से 3 टेलर मिट्टी यहाँ से कट के चोरी हो गई है। I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Hello, welcome, guys. कैसे आप सब लोग? मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं King Bullet YouTube channel. New specs कैसे लग रहे हैं जरा बताना comment करके. और आज आए हैं अपने plot पे. वैसे तो यूजली मैं यहीं पे अपने वीडियो शूट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना माहौल काफ़ी शांत रहता है. और ये पीछे जो है ये एक कोर्ट बन रहा है, आई थिंक CGM कोर्ट ऐसा कुछ इसका नाम है. और ये जो पीछे जो ज़मीन खाली दिख रही है ना, ये मेरी प्लॉट है, ठीक है. मतलब हम लोगों ने इसे ख़रीदा हुआ है, अपनी ज़मीन है मतलब. और इसमें ना इसमें हुआ ये है, तो इसमें का इस हुआ ये है कि हम लोगों ने यहाँ से बाउंड्री करवाई थी, तो बाउंड्री तो उखाड़ के ले गए रात में चोर बहुत पहले, लाइक 2012 में. अब तो बाउंड्री बची नहीं, तो ये जो न्यू बाउंड्री हुई है तो ये सब सही है. अभी यहाँ पे एक दिक्कत ये हुआ है कि हमारे ज़मीन से मिट्टी चोरी हो जा रही है रात में. मतलब हर दिन एक ना एक टेलर मिट्टी कट के जा रही है. आप लोग को दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर लगभग 2 से 3 टेलर मिट्टी यहाँ से कट के चोरी हो गई है. तो चोरी की जब बात मैंने की है, तो आज का बेसिकली वीडियो का टॉपिक भी यही है कि अगर मिट्टी चोरी हो सकती है तो भाई आपकी बाइक भी चोरी हो सकती है. तो हमारे पास जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है, बहुत बंदे कमेंट करते हैं कि भाई कुछ ऐसा बताओ जिससे कि हम अपने बाइक को चोरी होने से बचा सके. क्योंकि देखो यूजली वो घर से चोरी नहीं होती है, बाहर से ही चोरी होती है, ठीक है. अगर कभी भी आप बाइक लगा करके रेस्टोरेंट जा रहे हो, 1 घंटे 2 घंटे आपकी बाइक खड़ी है, तो वहाँ पर थोड़ा डर रहता है कि कोई बाइक आपके खींच के ले ना जाए. तो बेसिकली गाइस आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से आप जो है अपने बाइक को सेफ रख सकते हो अगर आप 1-1 घंटे के लिए बाहर अपनी गाड़ी को खड़ी कर रहे हो. तो ये जो एक तरकीब है, तरकीब ट्रिक है, तो ये जो ट्रिक है ये बेसिकली हर वक्त आप इसको अप्लाई मत करना, बट जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई मैं अपनी बाइक को जो है 1-2-3-4 घंटे के लिए कहीं पर खड़े कर रहा हूँ और मुझे कहीं जाना है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो गाइस ये रही अपनी ब्यूटीफुल अपनी मशीन, मेरे दिल की धड़कन, मेरी जान, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, मेरी बुलेट और आप सबकी भी. तो बेसिकली गाइस अभी मान लो कि आपने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है, ठीक है. इसके अंदर एक ख़ास बात है ना रॉयल इनफील्ड के अंदर, कि अगर आपकी बाइक अगर गियर में है, ठीक है, जैसे कि अगर गियर में आपने लगा रखा है, तो उसके बाद कोई रैंडम बंदा इसको आगे नहीं कर सकता है. ये चीज़ सिर्फ उसी को पता है जो जिसके पास रॉयल इनफील्ड है, आगे कर सकता है, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, बहुत ज़्यादा ताकत लगता है, क्योंकि इसके जो व्हील्स है ना लॉक हो जाते हैं, उस वजह से ये आगे नहीं हो पाता है. तो अभी ये मेरा स्टाफ है, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा, अभी मैं गाड़ी लेकर रोड पर जाता हूँ, इसको मैं बोलूँगा कि तुम आगे करके दिखाओ. इसको पता नहीं है कि कैसे होता है, ठीक है, और बाद में मैं बताऊँगा कि भाई इसको इस तरीके से आगे करना, ठीक है. तो पहली चीज़ गाइस इसके अंदर ये है कि अगर आप कहीं भी बाइक को पार्क कर रहे हो, तो आप अपनी गाड़ी को गियर में लगा करके पार्क करो, ठीक है. और जो दूसरा ट्रिक है गाइस वो ये है कि आपको करना क्या है, आप कहीं पे भी अगर आप बाइक को पार्क कर रहे हो, लाइक 2-3 घंटे के लिए कहीं पे जा रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से मेरी बाइक चोरी हो सकती है, अगर मैं आऊँगा तो मेरी बाइक यहाँ पर मुझे नहीं दिखेगी, उस टाइम में आप ये वाला ट्रिक को यूज़ कर सकते हो, जो मैं कभी कभी करता हूँ. अगर 2-3-4 घंटे के लिए मुझे बाइक कहीं पे खड़ी करनी पड़ती है, तब मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ. तो उसके लिए आपको करना क्या है, बेसिकली आपको इस साइड आ जाना है, उसके बाद गाइस आपका जो ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है इसको खोल लेना है, ठीक है, चाबी से, और ये चाबी आपको वापस निकाल लेना है. और यहाँ पर जो फ्यूज़ बॉक्स है ना, फ्यूज़ बॉक्स, तो ये वाला फ्यूज़ बॉक्स को आपको खोलना है, ठीक है, इसे आप खोल लोगे आराम से. उसके बाद ये जो थर्ड लाइन में जो ये वाली है, हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई दूसरा हो फ्यूज़ मिले, ब्लू वाली ना मिले, कोई दूसरा मिले, तो ये जो थर्ड रो में जो ये वाला है ना, ये आपका फ्यूल इंजेक्शन का फ्यूज़ होता है, ठीक है. अगर आप इसको निकाल दोगे ना, जैसे कि लाइक मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, आप चाबी अपनी इस तरीके से लगाना और आपका जो फ्यूज़ है निकल जाएगा, देखो फ्यूज़ निकल गया. और यहाँ पे 3 स्पेयर फ्यूज़ है, आप किसी एक को निकाल के यहाँ पे स्पेस बना लो रखने के लिए, नहीं तो आप ये जो इसका बॉक्स है इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है,
लग जाएगी, उसके बाद जो है आपके बॉक्स के अंदर आपका फ्यूज मिलेगा यहाँ पे। तो जब गाइस आप ये फ्यूज यहाँ से निकाल दोगे ना, तो उसके बाद आपकी बाइक को कोई भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी जुगाड़ कर ले, कोई भी तार जोड़ ले, जब तक ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खुल के यहाँ पे फ्यूज नहीं लगेगा ना, तब तक आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। और जब आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी तो फिर कोई चोर कहाँ से इसको लेके जाएगा, ठीक है। और जब आप आओ कहीं से, तो बस आपको करना क्या है कि आपको अपनी फ्यूज यहाँ पे ऐसे लगानी है, इसको बंद करना है और चाबी लगानी है, बस हो गया आपका काम। इसको बंद करना है, चाबी निकाल लेना है, बस काम खत्म। तो जब तक आपकी बाइक के अंदर फ्यूज नहीं लगा होगा ना, तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, और जब तक आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी तो फिर कोई इसको कैसे खींच के ले जाएगा, और खींचने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो ये एक ट्रिक है जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ कभी कभी, जब मतलब ऐसा मुझे फील होता है कि हाँ मेरी बाइक 3-4 घंटे तक खड़ी रखनी है मुझे, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो फिर मैं ये ट्रिक यूज़ करता हूँ। तो गाइस सपोज करो कि ये हमारी गाड़ी जो है रोड पर लगी है और मैंने इसे हैंडल लॉक कर दिया है, मान लो कि हैंडल लॉक किया और आपके जो चोर है वो आके इसके हैंडल को लॉक जो है इसका तोड़ दिया है। अब वो इसको खींच के लेके नहीं जा सकता जब तक उसको रॉयल एनफील्ड के बारे में पता नहीं होगा। अब सपोज करो ये मेरा जो है स्टाफ है, इसका नाम अकबर है, अकबर इसको थोड़ा आगे करना, इसको कुछ नहीं पता है कि मतलब क्या है नहीं है, ठीक है। गाड़ी उठाओ, थोड़ी भारी है भाई, आराम से, तो आगे हो नहीं रहा है। जोर लगाओ थोड़ा सा, थोड़ा जोर लगाओ और थोड़ा जोर लगाओ यार, जोर थोड़ा सा, थोड़ा सा, अरे थोड़ा जोर लगा के आगे करो ना। हाँ थोड़ा आगे जाओ, आगे जाओ, आगे थोड़ा जाओ। हाँ हो तो रहा है, टाइट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा करो, थोड़ा सा आगे करो। चलो ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो, थोड़ा आगे करो, थोड़ा जोर लगा के, अरे थोड़ा सा। चलो एक सेकंड, मैं थोड़ा धक्का देता हूँ, चलो अब करो। तो अरे अब भी नहीं हो रहा है, करो 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 ना यार। हाँ चलो छोड़ दो छोड़ दो। तो ये एक रॉयल एनफील्ड के अंदर खास बात है कि जब तक आपकी गाड़ी गियर में रहेगी तो इसे इजीली आराम से इसको कोई खींच के भी लेके नहीं जा सकता, क्योंकि इसका जो गियर है ना, क्लच, जब तक क्लच भी लेकर के अगर आप करोगे, गाड़ी गियर में रहेगी, तो काफ़ी मुश्किल होता है इसे आगे पीछे करने में। तो गाइस ये कुछ ट्रिक है जो कि आपको यूज़ करना है, और कहीं भी आप अपनी गाड़ी को पार्क करो, पहले तो आप कहीं भी ऐसे नॉर्मली पार्क करते हो तो गियर में गाड़ी रखो, उससे ये होगा कि जो रॉयल एनफील्ड को नहीं जान रहा है क्या है, तो वो आराम से इस गाड़ी को आगे पीछे नहीं कर पाएगा। दूसरा जो ट्रिक मैंने बताया कि आप कहीं अगर 2-3 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी करके जा रहे हो और आपको डर हो रहा है कि अगर मैं आऊँगा तो मेरी गाड़ी यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो आप फ्यूज़ निकाल के जा सकते हो, उससे ये होगा कि आपकी गाड़ी को कोई स्टार्ट नहीं कर पाएगा और कहीं लेके जा नहीं पाएगा। तो ये दो ट्रिक है जो कि मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, कभी अगर मुझे ऐसा डर होता है, फील होता है अंदर से, तो ठीक है। तो ये रही कुछ, यहाँ देखो क्या हुआ है, किसी ने लगता है कि पीछे से आके मेरे इंडिकेटर को मारा, इसको ठोक दिया, टूट गया यहाँ से, ये पूरा यहाँ से टूट गया, अब इसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो मैंने एरो वाले इंडिकेटर मंगाया है, जो कि यहाँ पे एरो के साइन जो होते हैं ना, उस टाइप के अमेज़ॉन से मंगाया है, तो जब आएगा तो मैं उसको लगाऊंगा, उसकी वीडियो भी आप लोग को दे दूंगा। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, वेयर हेलमेट एंड ऑलवेज राइड सेफ, ठीक है, बाय।